गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ना ही आज मैं कोई ब्यूटी टिप्स दूंगी, ना ही कोई मैं रेसिपी बताऊंगी, और ना ही मैं कोई मेकअप करके बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी एक मूवी के बारे में, और उस मूवी का नाम है अंधाधुन। ये मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है श्री राम राघवन। ये मूवी उनकी एक मास्टरपीस है। मैंने हॉलीवुड के ऐसी मूवीज़ तो बहुत सारी देखी है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बहुत रेयर बनती है, और ये उन्हीं में से एक मूवी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जब ये मूवी एंड होती है तो कई लोगों को इस मूवी की एंडिंग को लेके, इस मूवी के क्लाइमेक्स को लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। इस मूवी की काफ़ी सारी एंडिंग बनती है, जिनमें से दो तीन एंडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये है एक्चुअल में। और जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है मैं उनको थोड़ी बहुत इस मूवी के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस मूवी में जो एक्टर हैं वो हैं आयुष्मान खुराना, और उनके साथ हैं जो उनकी एक्ट्रेस है वो है साथ में राधिका आप्टे और तब्बू। इस मूवी में होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि जो आयुष्मान खुराना है वो ब्लाइंड है, और वो एक पियानो बजाते हैं बहुत ही अच्छा। तो जो राधिका आप्टे है वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती है कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। लेकिन बीच में ये दिखाया जाता है कि अचानक से कि ये दिखाया जाता है कि जो आयुष्मान जी हैं, आयुष्मान खुराना जो हैं, वो अंधे हैं ही नहीं। एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो लोग अंधे होते हैं उनका अपने काम पे फोकस ज़्यादा रहता है, तो बस वो इसी वजह से थोड़ा सा एक, और इससे उनको लोगों की सिंपथी भी मिल रही थी और इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी उनको मिल गई, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इस चीज़ का नाटक करते हैं। फिर थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है और मूवी में एंट्री होती है तब्बू के हस्बैंड की। ये दिखाया जाता है कि जो तब्बू का हस्बैंड है वो आयुष्मान को अपने घर बुलाते हैं पियानो बजाने के लिए, सरप्राइज देने के लिए तब्बू को। तो वो उस टाइम पे घर पे नहीं होते जब आयुष्मान उनके घर जाते हैं, और आयुष्मान वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, और वो मर्डर तब्बू और उनके बॉयफ्रेंड जो इंस्पेक्टर है उन्होंने, उन दोनों ने मिलके किया है वो। लेकिन फिर भी अंधे होने का नाटक वहाँ पे करते हैं, और तब्बू को लगता है कि वो अंधे हैं। कुछ टाइम के बाद फिर भी तब्बू इस मूवी में दिखाया गया वो काफ़ी स्मार्ट लेडी हैं, बहुत चालाक हैं। वो क्या करती हैं, उनके घर जाती है आयुष्मान के घर, और यही पता लगाती है कि वो एक्चुअल में अंधे हैं ही नहीं, और वो उनके खाने में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे कि वो अंधे हो जाते हैं। इस बात से आयुष्मान बड़े गुस्सा हो जाते हैं तब्बू से, और वो कहते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया। तो तब्बू कहती है कि मैं क्यों सुराग छोड़ूं, क्या पता तुम कल को किसी को बता दो। तो इस बात से आयुष्मान बड़े बहुत दुखी होते हैं, पानी में अपना सर डालते हैं। उस टाइम पे वो बड़े, उनको उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में वो क्या करते हैं कि एक डॉक्टर के साथ मिलके तब्बू का किडनैप कर लेते हैं। और ये प्लानिंग होती है कि जो इंस्पेक्टर हैं, जो उनके बॉयफ्रेंड है इंस्पेक्टर, उनसे वो 1 करोड़ रुपये मांगेंगे फिरौती में। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, और उस डॉक्टर के पास एक बहुत अच्छा ऑफर आता है जिसके मुताबिक उन्हें जो तब्बू की जो किडनी है उसे बेच के बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। और वो आयुष्मान को अपने साथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि हम तब्बू की किडनी को बेच के बहुत अच्छा पैसा लगा लेंगे, जिसमें से 1 करोड़ रुपये वो आयुष्मान को देंगे, और साथ में वो तब्बू की जो कार्निया उसको लेके अपना आई ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मूवी यहाँ पे इस एक पार्ट इस मूवी का खत्म हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अचानक से 2 साल के बाद दिखाया जाता है कि लंदन के किसी उसमें जो आयुष्मान है वो पियानो बजा रहे हैं, और उस टाइम पे उनको अंधा ही दिखाया गया है। तभी वहाँ पे राधिका आप्टे की एंट्री होती है, और वो आयुष्मान से कहती है कि क्या वो फिर से इस चीज़ का ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन आयुष्मान उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आप अंधे हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, कहानी बताते हैं, तो वो कहानी फिर से वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे वो तब्बू को लेके जा रहे होते हैं उनकी किडनी वगैरह सब बेचने के लिए। तो वहाँ पे आयुष्मान ये कहते हैं डॉक्टर को कि चाहे वो कितनी बुरी लेडी भी हो, पर हमें उनके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। जो मेरे साथ होना था वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना है। और जो तब्बू है वो धोखे से उस आदमी को मार देती है जो डॉक्टर होता है, और आयुष्मान को गाड़ी से उतार के सड़क के किनारे खड़ा कर देती है, और गाड़ी को रिवर्स करके जैसे ही वो आयुष्मान का कोई एक्सीडेंट करने आती है, तभी यहाँ एक तरफ दिखाया जाता है कि जो एक खरगोश है वो क्या करता है कि एक आदमी उस खरगोश को गोली से मारने वाला होता है, और खरगोश हमें जान बचाने के लिए अचानक से तब्बू की गाड़ी के आगे आ जाता है। और जैसे वो गाड़ी के आगे आता है तब्बू का बैलेंस खत्म हो जाता है, और वो जहाँ पे आयुष्मान को का एक्सीडेंट करने वाली होती है वहीं वो उल्टा अपने ही खुद का एक्सीडेंट कर देती है, और उनकी गाड़ी पूरी पलट जाती है, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। ये कहानी बताई जाती है आयुष्मान के द्वारा राधिका आप्टे को, जिससे राधिका आप्टे काफ़ी दुखी होती है और इम्प्रेस भी होती है कि भाई चाहे आयुष्मान से कितना भी बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी तब्बू के साथ बुरा होने के लिए मना किया। और वो ये भी कहती है कि तब्बू काफ़ी बुरी लेडी थी, ऐसा बोलती हैं। फिर उसके बाद वो राधिका को सी ऑफ करते हैं, बाय बाय करते हैं, और अचानक से दिखाया जाता है कि वो आगे जा रहे हैं, और उनके पास एक स्टिक है जिसमें खरगोश बना हुआ है, और वो स्टिक से केन को हटा देते हैं रास्ते से।
अब यहाँ पे लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो सच में अंधे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि रास्ते में केन पड़ी है। अब यहां तक तो मूवी ठीक थी, लेकिन जैसे ये मूवी का ये वाला पार्ट आता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको दो तीन इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि इसकी एंडिंग क्या होगी। पहले एंडिंग, दो तीन एंडिंग है, वो ये है। पहले एंडिंग तो ये है कि जो खरगोश है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मूवी को तो खरगोश की इसमें एक अंग खराब दिखाई गई है। और अगर आप देखेंगे जहां पर तब्बू ने आयुष्मान को धोखे से अंधा बनाया था, वहां पर अगर आप देखेंगे जब वो अपने पानी में अपना सर डालते हैं तो वहां पे आयुष्मान की भी एक आंख खराब दिखाई गई, यानी कि आयुष्मान की एक ही आंख खराब होती है और वो खरगोश से सिर्फ अपना एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अपना एक मतलब अपने अपने अपनी जगह पे खरगोश को रख रहे होते हैं। तो एक कहानी तो इसकी ये बनती है कि उनकी एक ही आंख खराब होती है। एक कहानी इसकी ये बनती है, कैंडिंग इसकी ये बनती है कि अगर सच में आयुष्मान अंधे थे तो उन्हें कैसे पता है कि तब्बू की गाड़ी के आगे खरगोश ही आया, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो अंधे थे ही नहीं। और एक एंडिंग जो मुझे समझ में आती है इस मूवी की वो ये थी कि जो राधिका आप्टे को उन्होंने कहानी बताई वो एकदम झूठी थी। एक्चुअल में हुआ ये होगा कि उन्होंने और डॉक्टर ने मिलके तब्बू की जो किडनी है उसे सेल आउट कर दिया होगा और साथ में तब्बू की कार्निया लेके और एक करोड़ रुपये लेके आयुष्मान ने अपनी आंखें भी ठीक करा दी होगी। लेकिन फिर से वो आंखें जो है वो अपना जो अंधा होने का जो है वो फिर से वही नाटक कर रहे हैं लंदन में, ताकि जो उनकी एक एक्सपेरिमेंट था कि जो वो कहते थे कि मैं अंधा इसलिए बना रहना चाहता हूँ, अंधे बनने का नाटक इसलिए करना चाहता हूँ ताकि जो अंधे लोग होते हैं उनका अपने काम पे फोकस ज्यादा रहता है, इस चीज का नाटक जो कर रहे होते हैं अंधे होने का, इससे वो अपने पियानो पे फोकस रहेंगे। इस वजह से वो अपनी आंखें वापस पाके भी दोबारा से वहां पे अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, जो मुझे एक्चुअल में इसकी एंडिंग समझ में आती है। इससे क्या होगा कि एक तो उनका अपने काम पे फोकस भी रहेगा जो वो चाहते थे, दूसरा उन्हें राधिका आप्टे की सिंपति भी मिल गई और वापस से उन्हें ये भी चांस मिल गया कि आप्टे को पा सकते हैं। तो ये एंडिंग मुझे इस मूवी की समझ में आती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस मूवी को देखने के बाद आपको इस मूवी की क्या एंडिंग समझ में आई, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।